हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला चिकित्सालय के 54 साल पुरानी बिल्डिंग का कायाकल्प करने के लिए पोस्टकार्ड अभियान का किया आगाज। 54 साल पुराने आचार्य रघुनाथ जैन स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय की पुरानी बिल्डिंग का कायाकल्प करने DMFT से बजट जारी करवाने के लिए सोजर क्षेत्रवासियों ने अब अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसमें राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव निरंजन आर्य को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन एवं जिला कलेक्टर को पोस्टकार्ड भेजने के लिए पोस्टकार्ड अभियान गुरुवार से शुरू किया गया। सोजत अस्पताल को लेकर मिशन सेवा मंदिर अभियान सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में आरंभ किया गया, जिसमें शहर की सामाजिक संस्थाओं सोजत सेवा मंडल, वरिष्ठ नागरिक समिति, भारत विकास परिषद, रोशनी फाउंडेशन, मेहंदी दलाल, ऐसा सेवा भारती, एक पहल आपकी सेवा, पेंशनर समाज, मानव सेवा समिति आदि के तत्वावधान में पुष्पत राज मुणोत, डॉक्टर आनंद भाटी, गोर्धन लाल गहलोत, श्याम लाल व्यास, पंकज त्रिवेदी, चेतन व्यास, ताराचंद सैनी, एडवोकेट पुनीत दवे, रामकिशोर राठौड़, जवरीलाल बोराना, हिमांशु व्यास द्वारा उम्मेद गौशाला में गुरुवार को पोस्टकार्ड अभियान का आगाज किया गया। 54 साल पुराना भवन समस्या बना। उल्लेखनीय है कि आचार्य रघुनाथ जैन स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय भवन 54 साल पुराना है, जिसके कारण उसका चूना प्लास्टर जगह जगह से उखड़कर हादसे का सबब बन रहा है। वहीं बारिश के दिनों में छतों से टपकने से कीमती उपकरण भी खराब हो रहे हैं। इसी प्रकार अस्पताल में बने कॉटेज वार्ड भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनकी मरम्मत की सख्त आवश्यकता है। कई बार छत से पंखा गिरने के कारण हादसे भी होते होते बचे हैं। PMO ने भी भेजा पत्र। 54 साल पुराने राजकीय जिला चिकित्सालय भवन की मरम्मत के लिए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता ने भी गत 26 नवंबर को जिला कलेक्टर को पत्र प्रेषित कर बताया कि भवन जीर्ण शीर्ण होने के कारण प्रयोगशाला मशीनें, वेंटिलेटर, सीटी स्कैन मशीन, सोनोग्राफी मशीन एवं अन्य विभागों की मशीनों के खराब होने की संभावना है, तथा बारिश में तो यह खतरा दुगना हो जाता है। अतः रिपेयर कार्य करवाना अति आवश्यक है, इसीलिए DMFT फंड से रिपेयर करवाया जाए। जागरूक टीवी के सोजत से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।